चतरा के सदर थाना क्षेत्र के समरणालय के समीप कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में रिम्स में इलाज के दौरान होमगार्ड के जवान अमरीका यादव की मौत हो गई। टक्कर में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड जवान अमरीका यादव को चतरा जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया था, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृत होमगार्ड जवान का शव रिम्स से सिमरिया प्रखंड के बनासीडी स्थित पैतृक आवास लाया गया। मौके पर मौजूद होमगार्ड के कंपनी कमांडर सतील कुमार लकड़ा ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए तत्काल 5,000 रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन को अनुग्रह अनुदान के तहत 2,00,000 रुपये की राशि जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। कंपनी कमांडर ने कहा कि मृतक के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। होमगार्ड की दुर्घटना मौत हुई काफ़ी दुखजनक है। काफ़ी सहयोगी हमारे गृहरक्षक थे और इनको सहयोग राशि के तौर पर अभी फिलहाल 5,000 रुपया दिया जा रहा है और इनको अनुग्रह अनुदान की राशि 2,00,000 जल्द ही दी जाएगी। और नौकरी और उनके परिवार की तरफ से जिनको भी अनुकंपा पर दिया जाना है वो हमको लिखित में देंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्द ही हमको उनको अनुकंपा पर बहाल करवाएंगे।